हिंदुस्तान हिंदुस्तान और भारत में हिंदुस्तान और भारत का भाई ये भारत 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 से भारत से अरे भारत से प्रेम है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इंडिया से लव है। पूरी बात एक सेकंड सर, हिंदुस्तान और भारत ने आसन से संशोधन की बात कही कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लिए, एतराज नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा, मैंने ये कहा, इतराज कहाँ से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। नहीं कोई भाई, मैं भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं भाषा जानता हूँ, और वहाँ पर चूंकि उचित जो एप्रोप्रिएट लफ्ज था वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था। अच्छा, है ना, तो भारत कह के लिया, तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद, इसमें एतराज की कहाँ बात है? तिल को तार बनाने वाली कोई बात नहीं है, मैंने आस कोई दिक्कत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सदन में भी हिंदुस्तान बोलता हूँ, लेकिन शपथ की भाषा संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, संविधान में भारत का उल्लेख है, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था आसन से कि कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है। भारत का ही लिया। दिक्कत की क्या बात? अरे इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, तिल को तार नहीं बनेगा यार, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत से सदन के अंदर भी है, लेकिन शब्दों का उचित प्रयोग क्या होगा, मैंने ये आसन से जानना चाहा। अरे परंपराएं बनती हैं, परंपराएं तोड़ी जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, परंपराएं स्थापित रखी जाती हैं। परंपरा तोड़ने के लिए नहीं, परंपरा के बारे में आसन से मालूम हासिल करने, जानकारी हासिल करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तर्जुमा करने वालों ने, ट्रांसलेट करने वालों ने उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया, यही तो आसन से पूछ रहा है हमको। आपत्ति क्यों जता रहे हैं, हमको नहीं समझ। अरे आपत्ति नहीं है, मशवरा है। सुनिए, इख्तलाफ भाई, और लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी, अगर आपको रास्ते में कंकड़ नजर आ गया तो आपने वो किया, किसी को नजर नहीं, किसी का फूल आपने आपको फूल नजर नहीं। अरे मिसाल समझिए, आपको कोई फूल नजर आ गया तो आपने देखा, किसी को नहीं हुआ तो चले गए, वो आंखों की बात है, बिनाई का शौक का मसला। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रास्ते में जिसको जो चीज नजर आए, आप कंकड़ लफ्ज बार बार बोलते हैं, फूल आपके जबान पर चढ़ नहीं रहा है। अरे खूबसूरती और चमन के हुस्न को भी सामने में रखिए। करुल जी, हाँ, दूसरी दफे आप विधायक बने? नहीं, चौथी दफे। आप लगातार विधानसभा के सदस्य रहे, आरजेडी के आप सदस्य रहे, आपने पहली दफा इस तरह का डिमांड क्यों किया? भाई मुमकिन है कि शायद पिछली बार शायद मैं हिंदी में लिया होगा, लेकिन अब उर्दू में लेता हूँ तो उर्दू का मुझको ज्ञान प्राप्त है, तो उर्दू में मैं समझा कि हिंदी में जब भारत लिखा जा रहा है तो इसमें भी भारत होना चाहिए, शायद ये उचित हो, या मैंने मशवरा मांगा। ये उचित, ये इख्तलाफ कहाँ से बात हो गई? लेकिन लगता नहीं है कि आपने जिस तरह से इस मसले को उठाया, लगता नहीं कहीं कहीं राजनीति के तहत आप जब लगातार तीन, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें मामला है कि आसन से अपने मालूमात का इजाफा करना है। आसन ज्ञानी है और हर सदस्य को अपने लिए कोई भी मामला हो तो आसन से ज्ञान प्राप्त करेगा, इसमें दिक्कत की क्या बात है? नहीं, मैंने ये कहा कि शायद उचित ये होता, आपने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मैंने विरोध नहीं किया, मैंने आसन से कहा कि शायद सर उचित ये होता कि भारत का आईन और भारत का कानून ज्यादा उचित, चूंकि प्रस्तावना में हम भारत के लोग और संविधान में हिंदुस्तान का उपयोग, हिंदुस्तान का इस्तेमाल, लफ्ज हिंदुस्तान का इस्तेमाल। नहीं, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये तो गुलामी के दौर का यकीन दिलाता है, वो हमको जब बोलेंगे वो क्या बोल रहे हैं हम आपकी जबान से नहीं सुनेंगे, जब वो बोलेंगे तब हम उसको जवाब देंगे, जब हम सुनेंगे तब जवाब देंगे, आपके कहने पर नहीं। आप क्या चाहते थे भारत के बदले? मेरा सुनिए, मैं ये चाहता हूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहब्बत है हिंदुस्तान की सरजमीन से, प्रेम है भारत से, लव है इंडिया से, मतलब वो भी सब चले। नहीं, बादल को अभी बिल्कुल नहीं, ये आपको अपने अंदर की बात दूसरे को कहने का मौका नहीं। यहाँ पर अख्तरुल ईमान है, और आपको बता दें कि अमोर विधानसभा सीट से इस बार विधायक चुने गए हैं AIMIM की पार्टी से, और यहाँ पर जब शपथ ग्रहण का वक्त आया तब इन्होंने, चूंकि इनका भाषण जो है, इनका जो शपथ है वो उर्दू में था, लिहाजा इन्होंने आपत्ति जताई कि उर्दू में
हिंदुस्तान लिखा हुआ है जबकि भारतीय संविधान में भारत का जिक्र है, तो क्यों ना ये भारत में शपथ ले। और इसके बाद इन्होंने भारत कहते हुए ही शपथ लिया है, लेकिन फिलहाल जो विरोधी है वो इस पर हमले कर रही है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से हिंदुस्तान और भारत के बीच जो भेदभाव है या उसको लेकर जो हंगामा बढ़ा है, इसको लेकर फिलहाल बीजेपी की तरफ से खूब हमले अख्तरुल ईमान पर किए जा रहे हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान का इस पर कहना है कि हिंदुस्तान हो या भारत, जो संवैधानिक भाषा है हम उसी का प्रयोग करेंगे। अपने सहयोगी शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।